ओम शांति आज दिनांक सात जनवरी दो हजार प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है हम घर जाते हैं बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है हम घर जाते हैं अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों के सम्मुख हाजिर होकर अपनी स्वयं की नॉलेज देते ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते बाबा कहते इसे ही लीला कहा जाता है तो तुम बच्चे अभी यह जान गए हो कि यह संगम युग का समय है कलयुग का अंत है सतयुग का आदि है तो अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है नई सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है तो अब सब बच्चों को मेरे साथ अपने घर परमधाम जाना है फिर वहां से सतयुगी दुनिया अर्थात स्वर्ग में पार्ट बजाने आना है प्रश्न किया बाबा ने स्वयं को बाप के पास रजिस्टर करना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है स्वयं को बाप के पास रजिस्टर करना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर में बाबा समझाते बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है अर्थात अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर न्योछावर करना होता है दूसरी पॉइंट बाबा कहते अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है बाबा हम बच्चों से सदा कहते मैं तो दाता हूं मैं लेकर क्या करूंगा तुम बच्चे निमित्त होकर इस भारत की सेवा करते हो तो ट्रस्टी होकर तुम ही सब कुछ संभालो तो बाबा पर बाबा की यज्ञ की सेवा पर अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करना होता है तीसरी पॉइंट बाबा बताते संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर दिखाना होता ऐसे बच्चों का नाम अलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं तो बाबा के बनने के लिए बाबा के रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना होता है विकारों को छोड़ना होता है छोड़कर दिखाना होता है बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना हो रही है इसमें जो बच्चे संपूर्ण पवित्र बनकर अपना तन, मन, धन, समय संकल्प सब कुछ सफल करते हैं वे बच्चे बाबा के रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के अधिकारी होते हैं गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो सिवाय ओम शांति जिसकी महिमा में यह गीत है वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं जिसको लीला कहा जाता है लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणों की तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है मनुष्य तो जानते नहीं बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है शिव जयंती के लिए यह गीत अच्छा है तुम बच्चे उनकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो बरोबर यह लीला है इसको नाटक अर्थात ड्रामा भी कहा जाता है बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है हर एक की अलग अलग लीला होती है जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना? अलग अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबको एक ही एक्ट हो जाती सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान ना सके अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है ब्रह्मांड सूक्ष्मवतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं विचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है अभी कुछ बाबा कहते अभी कुछ टच होता है जबकि नाटक पूरा होने को आया है अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे परंतु यह विनाश तो होना ही है यह कोई जानते नहीं बाबा कहते तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं भक्ति करते हैं भगवान से मिलने चाहते हैं श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं जिसको ही स्वर्ग कहते हैं परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा सतयुग आएगा तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुल भूषण होंगे वह समय भी संगम का होगा संगम है कल्याणकारी युग जब परमात्मा ने बेठ राजयोग सिखाया होगा अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं अंध श्रद्धा तो सारी दुनिया में है इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं अभी यह कैसे हो सकता है हाँ ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं जैसे विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं दो लक्ष्मी की दो नारायण की वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे समझो चार करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की आठ करोड़ भुजाएं हो जाएं। परंतु ऐसे नहीं बाकी प्रजा तो जरूर होगी यह भी ड्रामा में नूंद है बाप आकर यह सब सम बातें समझाते हैं वह तो समझ नहीं सकते कि आखिरन क्या होना है कितने प्लेन्स बनाते हैं किस्म किस्म के प्लेन बनाते हैं यहां बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लेन है और यह राजधानी स्थापन हो रही है जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहते हैं बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है माया सब पर बेरहमी कर रही है हमको आकर रहम करना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं सृष्टि चक्र का राज भी समझाता नॉलेज फुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो किसको समझा भी सकते हो यहां अंध श्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए यह बाबा कहते वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं फिर स्वर्गवासी की महिमा करनी चाहिए भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक थे पांच हजार वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है फिर है देवताओं की महिमा इसमें अंध श्रद्धा की कोई बात नहीं यहाँ तो सब बच्चे हैं फॉलोअर्स नहीं है यह तो फैमिली है हम ईश्वर की फैमिली हैं असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना वह निराकार फिर साकार में आते हैं इस समय यह वंडरफुल फैमिली है इसमें संशय की बात ही नहीं शिव की सभी संतान है प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान भी गाय हुए हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है पुरानी सृष्टि सामने है पहले तो बाप की पहचान देनी है ब्रह्मा वंशी बनने विगर, बाप का वर्षा मिल ना सके ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है ज्ञान सागर शिव बाबा है उनसे ही हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं हम हैं मुख वंशावली सभी राजयोग सीख रहे हैं हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है वहां हड्डी मांस नहीं रहता बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्प काल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है दाता में एक ही इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते देने वाला एक बाप है करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए वह सब है अल्पकाल का सुख यह है बेहद का सुख नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर यह बाबा कहते उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं इस समय सब माया की मत पर है यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है यह मत आधा कल्प चलती है क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं वहाँ उल्टी मत होती नहीं क्योंकि माया है ही नहीं उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं बाबा कहते फिर सृष्टि के मालिक भी तुम बच्चे बनते हो बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ नहीं भोगता बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूं कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ था चंद्रवंशी प्रिंस का जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे फिर आगे व पीछे अच्छा अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा नहीं तो चंद्रवंशी तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं इसमें अंध श्रद्धा की बात नहीं है यह है ईश्वरीय फैमिली इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है परंतु वह कलयुग में है तुम संगम पर हो किसके पास भी जाओ बोलो हम शिवंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है सो पचास को समझाएं तब उनमें से एक निकले जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा आप समान बनाने में टाइम लगता है बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है जब सुनाते हैं हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूं तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं आने जरूर हैं परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना ऐसा बाबा कहते ऐसा फ्लैंथ्रोफिस्ट कोई होता नहीं वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो तुमको नशा चढ़ा हुआ है हम अलमायती अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रह कर दिखावे तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं तब उस पर राज्य करेंगे अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है इस रूहानी नशे में रहना है उल्टी मतों पर नहीं चलना है हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं हमें अभी ईश्वर की मत मिल रही है इस रूहानी नशे में रहना है उल्टी मतों पर नहीं चलना है दूसरी पॉइंट बाबा कहते भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है पूरा पूरा फ्लैंथ्रोफिस्ट अर्थात दानी बनना है भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है पूरा पूरा फ्रेंट्रोफिस्ट अर्थात दानी बनना है वरदान दिया बाबा ने वरदान में बाबा कहते परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भाव परमात्मा छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भाव जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते हुए भी न्यारा रहता है और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है ऐसे आप बच्चे दुख के सागर से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती स्लोगन में बाबा कहते जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता है वही कुल दीपक है जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है अच्छा ये थे बाबा के महावाक्य ओम शांति